फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि नो अदर क्या है, यानी आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, नो अदर का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं। आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। जैसे अगर आपको कहना हो कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना वरुण, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नो अदर बॉय इज एज गुड एज वरुण। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि कोई दूसरा शहर उतना खूबसूरत नहीं है जितना जयपुर, तो आप कहेंगे No other city is as beautiful as Jaipur. कोई दूसरी लड़की उतनी खूबसूरत नहीं है जितना आफरीन, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे No other girl is as beautiful as आफरीन. कोई दूसरा चैनल उतना यूजफुल नहीं है जितना यह, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे No other channel is as useful as this. कोई दूसरा लड़का उतना पढ़ाकू नहीं है जितना कृष्णा शर्मा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे No other boy is as studious as कृष्णा शर्मा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि नो अदर का मतलब कोई दूसरा नहीं या कोई अन्य नहीं, और जब नो अदर के साथ आप एज का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग होता है कोई दूसरा नहीं उतना जितना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।